वापस आने का कारण मेरा यही सी कि मेरी गुड़िया सी 5 साल दी, हुण हो गई है, मैं 1.5 साल दी नूं छड्ड के गया हाँ, ते वो छोटी आ ते उहदे करके फिर मैं कहा कि आपां मैनूं उहदा प्यार खिंच लिया आ इत्थे। चावल, न्यूट्री कुलचा, ते तुहाडे लई खुशखबरी है, एक होर आइटम मैं तैयार करती है नाल, न्यूट्री बर्गर भी शुरू करता है। वतन वापसी एक अग है, जोश ते जुनून है। सत श्री अकाल, स्वागत है ग्रेट पंजाब टीवी विच। मैं सोनिया एक बार फिर आप सब नू रूबरू कराउन जा रही हूँ एक ऐसी कहानी नाल जो कि विदेश तो वापस पंजाब परते ने। जी हाँ, जिथे अज हर नौजवान का सपना है विदेश जाऊँ का, उत्थे वसन का, ते अज एक ऐसे परिवार नाल मिलन जा रहे हैं जो कि विदेश कैनेडा तो वापस अपने पंजाब परते ने। तो इन्हों तो जानेंगे इन्हों का सफ़र। इन्ह ने मकैनिकल इंजीनियरिंग की है, तो उस तो बाद एक इतने शेफ बने हुए हैं, मतलब इन्होंने अपना खुद का इतने काम करने बारे सोचा। तो इन्हों तो ही जानते हैं इन्हों का की सीगा ये काम करने बारे सोच, तो की सी वजह विदेश जाने की। तो सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है ग्रेट पंजाब टीवी विच। थैंक यू। तो सब तो पहला मैं तुम्हें पूछना चाहवागी कि वजह सी ती विदेश जाने की। मेरी सब तो मेन वजह भैने ये सी कि इत्थे मेरी पढ़ाई जिहड़ी आ ना, मेरी पढ़ाई दे बेस्ते जिहड़ी आ जॉब नहीं सी मिलदी। वो मैं जिहड़ी आ मैं कीती है मकैनिकल इंजीनियरिंग, ते मैनू जिहड़ी आ जॉब जिहड़ी आ ओह बाहर ही मिलदी सी, ते मैं पुणे जिहड़ी आ जॉब कीती भी आ 1 साल, फिर मैनू वो दूर होण करके मेरे घरदिआं ने जिहड़ा आ वापस बुला लिया सी उदों, ते उस तो बाद फिर मैं उहनू जिहड़ा आ कैरी ऑन नहीं कर सकिया क्योंकि एक्सपीरियंस चाहीदा हुंदा आ इंजीनियरिंग तो बाद, वो मेरा होया नहीं। बाद विच मैं अपने काम इत्थे कीता सी लुधियाणे दे विच, मैं फैक्टरी की लाई आ, उहदे विच मैं साइकल स्पेयर पार्ट बनाए सी। ठीक है, मतलब लुधियाणे विच तुसीं ओह साइकल स्पेयरिंग वाला काम कीता, ते तुसीं दसोगे कि तुसीं विदेश जा के की काम कीते? विदेश भैणे फिर मैनूं इत्थों मैं जदों गया आ एज ए ट्राला ड्राइवर गया सी मैं, ते एज ए ट्राला ड्राइवर उत्थे तुहानूं पता ही आ सड़क दे उत्ते अपनी ज हथ जान हथेली ते रख के चलाउणा पैंदा है, ते मुश्किलां भी आउंदियां आ, ते उह ते कोई नहीं आ, महाराज की कृपा नाल वधिया कीता, 2-3 साल उत्थे काम करके आया मैं, ते फिर दोबारा वापस आउण दा कारण मेरा यही सी कि मेरी गुड़िया सी 5 साल दी, हुण हो गई है, मैं 1.5 साल दी नूं छड्ड के गया हाँ, ते वो छोटी आ ते उहदे करके फिर मैं कहा कि आपां मैनूं उहदा प्यार खिंच लिया आ इत्थे। मैं नाल तुहानूं अपनी बेटी दा प्यार दे नाल कुछ पंजाब दा प्यार, पंजाब मिट्टी नाल भी प्यार ही, उहदे करके भी मैनूं जिहड़ा आ अपना उहदी मिट्टी दी खुशबू जिहड़ी आ उह भुलदी जांदी ही उत्थे, ते मैं कहा कि क्यों ना वापस मुड़ के अपना दुबारा परतिया जावे वतनां नूं, ते इस करके मैं वापस आ गया। तुसीं देख सकदे हो इत्थे साडे को लगी हुई है छोटा जिहा, इन्हां ने लगाया ते बहुत ही प्यार नाल बनांदे ने इत्थे साडे को न्यूट्री कुलचा ते नाल चावल, है ना, न्यूट्री चावल नाल दिंदे हो? हाँ जी, न्यूट्री चावल, न्यूट्री कुलचा, ते तुहाडे लई खुशखबरी है एक होर आइटम मैं तैयार करती है नाल, न्यूट्री बर्गर भी शुरू करता है। वाह, ओ बच्चियां लई आ, ओ भैन तुहाडी भाभी ने जिहड़ा आ इत्तेजाद कीता आ कि बच्चे आउंदे आ जिस तरह फैमिली दे नाल आए आ, ते उहनां लई कई कई पेरेंट्स हुंदे आ कि नहीं खवाउणा असीं, मतलब भारी आ जां कुछ हो जांदा है कि नहीं खवाउणा है कुलचा, ते उहनां लई फिर असीं न्यूट्री बर्गर भी जिहड़ा आ उह शुरू कीता है नाल, ओह भी बच्चे भी खुश हो के खाणगे, खुश हो के खाणगे। हाँ जी जी, आप गल की इन्हों कि इन्होंने सारा दसिया कि किस तरह ही विदेश तो जड़े ने अपने पंजाब परते, तो इन्होंने अपना ही इतने काम करने बारे सोचा, तो इन्हों की जी वाइफ ने वह भी इन्हों पूरा पूरा इन्होंने हैल्प करवाते हैं। तुम देख सकते हो साढ़े को न्यूट्री चावल, न्यूट्री कुलचा जड़ा बन रहा है। जी मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, बहुत स्वागत है ताडा ग्रेट पंजाब टीवी। थैंक यू। तो सब तो पहला मैं तुम्हें यही पूछना चाहवागी कि तुम किस तरह सपोर्ट करते रहे अपने हसबेंड न, मतलब जिद्दां कि उन्होंने मकैनिकल इंजीनियरिंग की इन्नी वड्डी, मतलब ग्रेजुएशन करके उस तो बाद उन्होंने ये चीज़ सोची, तो उन्होंने डीमोटिवेट करन वाले या उन्होंने कहन वाले कि तू एक ही काम किया, उस चीज़ से तुसी किस तरह उन्होंने मोटिवेट कर दे रहे? मोटिवेट मैम इस तरह ही बस कि तू ही अपना काम करो, जो बोल दे बोली जाए। इन्होंने भी दस्या किस तरह पूरी तरह नाल इन्हां दी हेल्प करते हैं, तुसी देख सकते हो ये पूरी ही
गड्डी च पूरा प्रिपेयर करके आंदे ने ते साडे को इस बारे न्यूट्री चावल बन के रेडी ने ते बहुत सारे कस्टमर्स ने जड़े इत्थे आके लाइक भी करदे ने, इन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद करदे ने बिकॉज इन्हां दे बनाउण विच बहुत ज़्यादा प्यार है, जिहड़ा इन्हां दे अंदरों जिहड़ा प्यार है वह इत्थे बाहर आंदा है। ते तुसीं देख सकदे हो किस तरह ये दोनों जी एक दूसरे नाल मिल के एक काम करते हैं, तो एक इंसान चाहे क्यों ना पंजाब ही वो काम कर सकता है जिहड़ा वो चाहता है। सर तुम किन्ने बजे लगाते हो? सवेरे 10:30 बजे आ जाने हैं भैने, तो शाम को 5 बजे ग्राइंड अप करीदा, तो जो पहला मौका जावे तो फिर पहला भी चले जाइएगा। 10 बजे स्टार्ट होंगे इतने यूनिवर्सिटी के बैक साइड ही पैंती है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए ने हुण क्योंकि इन्हां दी स्टोरी ही ने इंस्पायर करन वाली है सानू। ते तुसी देख सकते हो किस तरह ये न्यूट्री बना रहे ने, ते मतलब बहुत ज़्यादा प्यार नाल बनांदे ने हर चीज़ नू। सर तुसी की कहना चाहोगे जिद्दां विदेश जा रहे ने अजकल दे बच्चे, उन्हां लई तुसी की मैसेज देना चाहते हो? हाँ जी भैने सारिआं नू सति श्री अकाल, इक तुहाडे चैनल दे राहीं मैं सारिआं नू बेनती करना चाहुंदा कि पढ़ लिख के जिहड़े बच्चे आ ना अजकल पंजाब चों बाहर जा रहे आ, क्योंकि इत्थे काम करना चाहते नहीं है, काम बहुत है इत्थे पंजाब दे विच, काम की कोई कमी नहीं है, बस एक साडा माइंडसैट इस तरह का बन गया है, उन्हें चेंज करन की लोड़ है। तो यूथ नू मेरी यही मतलब बेनती आ कि उस माइंडसैट नू जिहड़ा आ आपां चेंज करिए, तो इत्थे भी बहुत कुछ हो सकता है, करन वाले सारे कर रहे आ इत्थे, तो बाहर का जिहड़ा आ वो ना जाया जावे, एक तो परिवार नू छड़ के जाना अपनी मिट्टी नू छड़ के जाना ये कोई चंगी गल नहीं है। तो इस करके मैं तो कहना है कि तुहाडे चैनल राही मैं कहना चाहुंदा कि सारे वापस परतीए, जिहड़े बाहर विदेशों दे विच गए भी ने वह भी इस चीज़ तो सीध लैन के कई स्टार्टअप्स जिहड़े आ, मैं ही नहीं मेरे वांगू मेरे भैणां भरावां ने होरां ने भी बहुत कीता है तुहाडे चैनल दे थ्रू तुसीं दिखा रहे जी। इन्हां तों पुछदे आ कि इन्हां ने कित्थों सिख्या? सर तुसीं दस्सो कित्थों दी सिख्या ये चीज़ नूं? हाँ जी हाँ जी जरूर दस्सांगे, मेरे वड्डे भाजी ने मैं अपने वड्डे भाजी तो सीखा, उन्हां दा 25 साल तो असी शहर के अंदर जिहड़ा आ काम कर रहे हैं, तो इतने मैं नवा जिहड़ा आ जायका जिहड़ा आ ये इतने नवा लैके आया, उन्होंने कोलों सीख के इतने आप नवा लाया। किस तरह की प्रोसैस है बनाने का सारिया चीज़ा तुम दस? देखो न्यूट्री असी हाफ डन करके लियाई दी है, हाँ जी उस तो बाद इतने क्रश करी दी है, पहला रख के इनू क्रश करके फिर ये पाईदा अमूल बटर, आ देखो आ गया बटर, इस तो बाद पाई दी ने कैरेट्स, उस तो बाद आता है ओनियन, तुम देख सकते हो कैप्सिकम शिमला मिर्च, उस तो बाद आ गया जी इनू फिर दोबारा तो आप तड़का लावांगे मिक्स करांगे इनू, उस तो बाद ये साडा रोगन जाएगा जिहड़ा मेन तड़का है इहदा रोगन, हाँ जी इनू रोगन कहने अहीं, ये आएगा इस तो बाद होएगी सर पनीर की बारिश, धनिए तो बाद आएगी जी बीटरूट चकंदर, लो जी आ डन हो गई जी, हुण इहनू आपां सीधी प्लेट च जे किसी ने कहा तो प्यार ना इस तरह चक के आपां प्लेट के विच रख देनी जी। बहुत ही वधिया तरह इन्होंने अपना प्रोसैस दस्या, तुसीं देख सकदे हो किन्ने प्यार नाल ये बनाते हैं, तो हर चीज़ा किस तरह किन्ने प्यार नाल ये उहदे विच पाउंदे ने, तो किन्ना प्यार नाल सारा सिस्टमैटिकली प्रोसैस हुंदा है सारा, तो लोग भी इन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इन्हां दे, खास करके जिहड़ा न्यूट्री कुलचा तो न्यूट्री चावल बहुत ज़्यादा फेमस ने, तो हुण इन्हां ने न्यू चीज़ स्टार्ट की है न्यूट्री बर्गर, जो कि होप कि स्टूडेंट्स जिहड़े ने इत्थों दे कॉलेजेस दे या जिहड़े बच्चे ने वो बहुत पसंद करनगे, तो सानू चाहिए कि जिहड़ा इन्हां ने रिवर्स माइग्रेशन का कंसैप्ट चक्या है उन्होंने सानू उजागर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सोच जिहड़ी है ये कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, हर एक पंजाबी दे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि उहदे दिल च पंजाब नू लैके अपने देश नू लैके हमेशा ही होना चाहिए कि कुछ ना कुछ वधिया करे अपने देश च रह के, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत पैंदी है, तुहाडे ऑडियंस की साडे व्यूअर्स की जरूरत पैंदी है, इस करके सानू उन्हां दी सपोर्ट करनी चाहिए है, तो सानू उन्हां दी सपोर्ट करके इत्थे जरूर आना चाहिए, एक बार सानू इत्थे खा के इन्हां दा टेस्ट जरूर देखना चाहिए। इस नाल ही देखते रहो ग्रेट पंजाब टीवी, मैं सोनिया कैमरामैन रवनीत दे नाल।